नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ में हूं कुणाल गोस्वामी। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन पूरी तरह राहत नहीं मिली। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के ईडी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली, अंतरिम जमानत मिली, लेकिन दिल्ली के सीएम को जेल से बाहर निकलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सब्र का बांध इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि सीबीआई के केस में अभी भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी, तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है, वो एक चुने हुए नेता है। हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, बड़ी बेंच चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन केजरीवाल की रिहाई अभी मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल पर सीबीआई की जांच चल रही है और उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब केजरीवाल की रिहाई सीबीआई केस पर टिकी है। हालांकि ईडी केस में केजरीवाल को मिली जमानत के बाद कहीं ना कहीं बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इससे केजरीवाल का पक्ष एक तरफ मजबूत नजर आ रहा है, वहीं अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिलती है या उन्हें और लंबा इंतजार करना होगा। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन जेल से अभी आजादी नहीं। केजरीवाल की आजादी अब सीबीआई केस पर टिकी। ईडी के केस में राहत, सीबीआई केस में 17 को सुनवाई। शराब घोटाले के ईडी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी, तब तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत जारी है। लेकिन केजरीवाल की रिहाई अभी मुश्किल में है, क्योंकि केजरीवाल पर सीबीआई ने भी जांच कर रखी है और उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। केजरीवाल को अभी रिहाई नहीं, ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली। ईडी केस बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर हुआ। सीबीआई केस में अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सीबीआई केस में 17 जुलाई को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, यानी केजरीवाल की रिहाई अब सीबीआई केस पर टिकी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का मामला 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है, वो एक चुने हुए नेता हैं। हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, बड़ी बेंच चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीबीआई केस को लेकर जेल में रहने तक जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को मामला भेजा गया है, जबकि पीएमएलए के प्रावधान पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई बेल स्टिल पेंडिंग, सो अंटिल एंड अनलेस ही वाज ग्रांटेड बेल इन दैट ही विल रिमेन इन कस्टडी टिल दैट टाइम। दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ ग्रेट जजमेंट एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी,
इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि उधर दिल्ली में बिजली के बिलों पर लगाए गए पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट चार्ज का मामला सियासी रूप लेता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लेकर दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत केवल कानूनी पहलू का हिस्सा है, उन्हें अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नए स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है परंतु कोई मुकदमा खारिज हुआ, मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ है, ईडी और सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। वही पूरे मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए अंतरिम जमानत मिल गई है क्योंकि उनके मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया है। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है, इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। आपको बता दें कि अब शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप सरकार को जमानत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस पर सियासत भी तेज, आरोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि 17 जुलाई की तारीख किसके लिए राहत बनेगी और किसके लिए आफत बनेगी। तो आखिरकार ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अब सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी है उसको लेकर सबको 17 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि आने वाला वक्त राहत लेकर आएगा या बना हुआ रहेगा आफत। चार मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता चिराग सेठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ अमित गांधी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चिराग जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेकर आतिशी जी और उसी के साथ आपका भी ट्विटर हैंडल ने चेक किया तो वहां पर एक लाइन थी, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए और मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है जब ईडीआई की तरफ से गिरफ्तारी देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत दी गई है। सीबीआई केस अभी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन क्या
ये आधी राहत पूरी आजादी के तौर पर देखी जाए या फिर आप वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं? कुणाल जी देखिए, पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब ये होता है कि जज साहब इस केस में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, या वो कन्विंस्ड हैं कि ये इंसान जो है वो इस पे ये केस नहीं होना चाहिए। जैसे वैसे होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर पीएमएलए के केस में होता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, तब बेल होती है। तो आज पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब यही है कि ईडी ने जो एक फर्जी केस आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर बनाया है, आज उसका एक पर्दाफाश हुआ है। कुछ भी वो एक रुपए का डॉक्यूमेंटेशन, एक रुपए की मनी ट्रेल कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई, वो ये नहीं बता पाई कि कहां से पैसा क्या मिला, चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई, 10-10 बयानों को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया। सोचिए, जो एक आदमी से 10 बयान लिए गए, 11वें बयान में उसने अरविंद जी का नाम लिया, वो बयान के बेसिस पर आपने अरेस्ट कर लिया, अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स में जो 10 बयान डाल दिए, उसके अलावा कोर्ट जाके वो कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये जो भाजपा की साजिश थी, पूरा मामला ये राजनीतिक है, ये भाजपा की साजिश थी किसी तरीके से अरविंद जी और अरविंद के काम को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करें, हम कुछ ऐसा करें, उस तरह का एक साजिश की गई थी। आज कोर्ट ने ये बता दिया है कि अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ठीक, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसे जश्न मना रही है जैसे अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त कर दिया गया है, जबकि मामला तो लार्जर बेंच को भेजा गया है सेक्शन 19 की और ज्यादा डिटेल इंक्वायरी करने के लिए। देखिए, मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, पीएमएलए के केस में बेल मिलना इज इक्वलेंट टू कि आपका आपका जो सबूत है आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में ट्रायल तो कई कई साल तक चलते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जो है उनका ट्रायल तो 12 साल तक चला, तो ट्रायल तो चलते रहेंगे देखिए। बट आज ये समझ में आ गया कि भाजपा द्वारा संचालित जो ईडी और जो सीबीआई है उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। आप सीबीआई के भी 17 को देख लीजिएगा, कुछ नहीं मिला। 1.5 साल से सीबीआई चुप बैठी थी, 1.5 साल से उनको कोई सवाल नहीं पूछा था, 1.5 साल से अरविंद जी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं थे। बट जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी का ऑर्डर आता है, उसी रात को अरविंद जी को सीबीआई अरेस्ट कर दिया। उससे पहले उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना था अरविंद केजरीवाल जी से, कोई जांच नहीं करनी थी उससे पहले, बट जैसे ही बेल का ऑर्डर आया वैसे ही अरेस्ट आ गया। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल, सीबीआई की जब मामले पर सुनवाई होगी आने वाली तारीख को, आम आदमी पार्टी कितना ज्यादा अपने आप को आश्वस्त मानकर चल रही है कि जो खुशखबरी आज का दिन लाया, आने वाले वक्त में जब सीबीआई के मैटर पर इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो यही स्थिति होगी? कुणाल जी देखिए, कहीं ना कहीं जो राउज एवेन्यू कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, जहां उन्होंने लिखा है कि ईडी जो है एक मंशा के तहत काम कर रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पा रही है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही, ये राउज एवेन्यू कोर्ट में लिखा गया है, ऑर्डर की कॉपी में लिखा गया है, तभी तो ईडी भाग कर हाईकोर्ट गई थी और ऑर्डर देखने से पहले ही स्टे लग गया उस बेल ऑर्डर पे। ठीक है, कहीं दिख रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लोगों के पास आप बात नाम ले रहे थे, उन्होंने चंदा तो भाजपा को दिया था, आप बात कर रहे थे बगुंटा रेड्डी तो आज एनडीए का सांसद है, आप दूसरे जगन रेड्डी की बात, शरद चंद्र रेड्डी की बात करते हैं, 60 करोड़ रुपए तो उसने भाजपा को दिए, तो ये तो साफ दिख रहा है कि कहां पे आया पैसा, तो क्या भाजपा को भी अप्रूव कराया जाएगा? ईडी में इतनी हिम्मत है कि वो ये काम कर पाएगी? ठीक है, बगल में ही आपके हैं डॉक्टर आशीष हांडा, बीजेपी नेता हैं, उन्हीं से लगे हाथ सवाल कर लेते हैं। स्वागत है, शुक्रिया आशीष जी। सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि भाई राजनीतिक भावना के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है, हथियारों की तरह ईडी को सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। आरोप यह भी लग रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो अंतरिम जमानत दी गई है वो इक्विवेलेंट है कि भाई ये निर्दोष हैं, दोष मुक्त हैं, मगर राजनीति करनी है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है अरविंद केजरीवाल, लिहाजा उसको कुछ भी करो जेल में रखो। कुणाल जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर आप दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता पे है गर्मी की मार, परेशान है वो किससे, आपके भ्रष्टाचार, पीने के पानी को बैठे हैं सभी लाचार, बाढ़ के दिख रहे हैं आते हुए आसार, और अब बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं भरमार। यानी आप ही देखिएगा, एक से लेके अंत तक, ए से लेके जेड तक,
कहीं से कुछ भी उठा लीजिए, तो ना तो ये सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कह सकती है और ना ही ठीक से दिल्ली वालों के लिए काम करने वाली सरकार कह सकती है। खैर एनी हाउ, अभी हम अगर सिर्फ कंटेक्स्ट के ऊपर रहे, आज के मुद्दे के ऊपर रहे, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल की नैतिकता किस हद तक गिरती हुई दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो कहा करता था कि किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगे तो पहले देना चाहिए उसको त्याग पत्र और उसके बाद होनी चाहिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, और आज आलम यह हो गया है कि अपने को मिली हुई बेल को भी वो ऐसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं जैसे ये भी उनकी जीत हो। ये नैतिकता की गिरावट की उनकी एक इंतहा कहूंगा मैं इसको। आप ये समझिएगा कि जब अरविंद केजरीवाल को, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के हमारे चिराग जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई जिसको ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 के रूप में प्रस्तुत किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 7 के अंदर। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए और आरोपी नंबर 37 बनके ईडी की 7वीं चार्जशीट में उपस्थित हैं। आप सोच के देखिएगा जिस पार्टी का या जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और उसका प्रमुख सांसद संजय सिंह बेल पे, और वो जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, उनकी नैतिकता की गिरावट तो देखिए आप। आप ये समझ के देखिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियरली ये रूल कर दिया कि भाई आपको हमने जो दिया है ना वो राहत है, वो रिहाई नहीं है। अच्छा बेल का क्या है भाई साहब, बेल तो 302 के मुजरिम को भी इस हिंदुस्तान में मिल जाती है, तो ऐसे में अगर आपको बेल मिल गई, वो भी रेगुलर बेल नहीं, सिर्फ इंटरिम बेल, वो भी विदाउट कंडीशन नहीं, वो भी ऑन कंडीशन कि आप ना तो सेक्रेटरीट जा सकते हैं ना किसी फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं। अभी ऐसे में ये सोचते हुए कि भाई जब तक मैं आरोप मुक्त ना हो जाऊं मुझे नैतिक रूप में कोई अधिकार नहीं है चीफ मिनिस्टर की अपने पद पे रहने का, और वो एक एग्जांपल सेट करें उसकी जगह वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मतलब ये बड़ी खुशी की बात। आपके तमाम आरोपों का सीधा जवाब ले लेता हूं चिराग जी से, उसके बाद फिर अमित जी आशुतोष के पास जाऊंगा। चिराग जी, डॉक्टर आशीष कह रहे हैं कि भाई नैतिकता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज खुद नैतिकता के सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व डेप्यूटी सीएम, पूर्व डेप्यूटी सीएम से लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सभी इस वक्त जेल में हैं और एक बड़े सांसद बेल पर हैं, तो रिहाई तो, और जो चीज इंतरिम बेल है उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि खुद भी धोखे में है और जनता को भी धोखे में रखा जा रहा है। कुणाल जी, कल तक यही लोग बोलते थे कि बेल क्यों नहीं मिल रही आपके चैनल पे, कितने डिस्कशन हुए और यही साथे जो बोलते थे बिल क्यों नहीं मिल रही है, अगर आपने कुछ नहीं किया आपको बोल के बेल सर राउज एवेन्यू कोर्ट का बयान गलत था, उनकी जजमेंट गलत थी, ये हाई कोर्ट क्लियरली बता चुका है। न्याय बिंदु जो जज थी वहां की, वो 2 दिन के लिए सिर्फ वहां डेपुटेशन पे आई थी, रोहिणी कोर्ट को देखती हैं, उनको ऐसे में इस तरह का ऑर्डर पास करने का ना अधिकार क्षेत्र था। और आप सबसे बड़ी बात बताइए कि अगर कोई जज ये कहे कि भाई इतनी लंबी 2000 पेज की चार्जशीट देखना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बता दीजिए मुझे, वो ऑर्डर पास करे तो उस ऑर्डर की संवैधानिकता पे आप इत्मीनान करेंगे क्या? नहीं है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, आप सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आज आपने? सर्वोच्च अदालत है सर, बस तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको मान लिया कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या तो जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आपको चिराग जी अच्छे से पता है आम आदमी पार्टी का काम ये रोना शुरू से लेके अंत तक हर बात पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल रोते रहे हैं। पहले वो ये रोते रहे हमारे सारे समन गलत हैं, 1 से लेके 9 समन, हम इसलिए नहीं जाएंगे समन गलत हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा समन सही थे, आपको जाना चाहिए था। इसके बाद वो कहने लगे ईडी की रिमांड गलत है, फिर वो कहने लगे सीबीआई का अरेस्ट गलत है, फिर वो कहने लगे कि हमको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, सारी चीजों को उनका कोर्ट ने खारिज किया।
दिया, फिर कहते हैं हमारी मिसिस सुनीता केजरीवाल को उस मेडिकल बोर्ड के अंदर होने वाली हमारी जो मीटिंग है डॉक्टर्स के साथ उसमें बैठने दिया जाए, कोर्ट ने माना क्या? फिर कहते हैं हमें एडिशनल अपने वकीलों के साथ हमें बैठक का समय दिया जाए, बाकी सबको दो मिलती हैं, हमें सात दी जाए, मान लिया क्या कोर्ट ने? उनको तो हर चीज के ऊपर रोला रप्पा मचाना है, विक्टिम कार्ड प्ले करना है, जनता की अटेंशन सीक करनी है, किसी तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करना है, और पॉलिटिकल वेंडेटा उनके साथ खेला जा रहा है, ऐसा उनको एक नैरेटिव सेट करना है जिसके चलते हुए ये सारा काम हो रहा है। आप लेकिन जल मिनिस्टर है उस बिचारी के पास टाइम ही नहीं है कि वो ठीक है। आशीष जी अब सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, ठीक है सर, आशीष जी, आशीष जी बाकी लोग भी हैं, आशीष जी प्लीज एक सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके डन, ठीक है सर, सर प्लीज सुन लीजिए, चिराग जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कुणाल जी, 1100 पेड़ कटे हैं छतरपुर में, सतबरी एरिया में, वहां पे जिस एनजीओ ने कंप्लेंट करी है ना उसको दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? अगर इनका एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है तो एकदम से दिल्ली पुलिस को, ये एनजीओ ने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, किस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग सरकार करती है, उसी तरह ये तो पहले की बात बता रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, एनजीओ जो दिल्ली के फेफड़ों को बचा रहा है, दिल्ली में पेड़ कटे हैं उसकी बात कर रहा है, दिल्ली पुलिस जाकर वहां पर सवाल पूछ रही है, आपकी फंडिंग पूछ रही है क्या है? आज ये आशीष जी जैसे लोग जो हैं ये प्रताप पांच हो रहा है, आज दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह के बेशरम लोग हैं ये। ठीक है, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड सर, आप अपना वाद प्रतिवाद जारी रखिएगा, लेकिन एक कमेंट ले लूं मैं, बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं। शुरुआत अमित जी आपसे करूंगा, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो आज जस्टिस संजीव खन्ना ने की कि सिर्फ भाई पूछताछ के आधार पर किसी व्यक्ति को आप इतने लंबे समय तक इंट्रोगेशन के लिए जेल में नहीं रख सकते, वो भी तब जब व्यक्ति सामने वाला चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, तो क्या माना जाए? क्या सिर्फ इसी आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल जी को, या बाकी भी फैक्ट फिगर है जिसको लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनालाइज किया गया और उसके बाद अब जाकर अंतरिम बेल मिली है? बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो टेंपरेरी इंटरिम बेल है, इसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भाई निर्दोष हो गए हो, दोष मुक्त हो गए हो। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चीज पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है, क्या उस पर हम सवाल खड़े करें? अपनी जगह पर, अपने स्टैंड पर एकदम नीट एंड क्लीन और क्लियर है। देखिए, पीएमएलए की तरफ बेल मिलना ये असंभव सा लग रहा था, ठीक है, लेकिन ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे वो उतने मजबूत नहीं थे कि केजरीवाल जी को बेल नहीं मिला। तो बेल ईडी ने जो सबूत पेश किया था उसमें मजबूती नहीं थी, इसलिए आज केजरीवाल जी को बेल मिला है। और एक तो देखो, राजनीतिक विद्वेष की भावना से चाहे हम झारखंड की बात करें, शिबु सोरेन को भी जेल में डालकर रखा गया और फिर उन्हें भी जेल मिली है, आज केजरीवाल जी को भी जेल मिला है। हाँ। और 17 को ये सामने आ जाएगा कि दूध और पानी, कितना दूध और कितना पानी है। तो मेरा ये मानना है कि सबूत उतने मजबूत नहीं थे, इस आधार पे केजरीवाल जी को आज जेल मिला। तो आप कहेंगे हम सच्चे, और अगर और किसी को पूछताछ को पूछताछ के आधार पर आप जेल में नहीं रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब ठीक है आशुतोष जी, इस पूरे मामले को आपने किस नजरिए से देखा? क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया सिर्फ जमानत मिली है, निर्दोष नहीं हुए हैं, और जो तमाम एलिगेशन बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर जब एलिगेशन लगाए जाते हैं वो तब लगाए जाते हैं जब वाकई में अपोजिशन पार्टी का कोई नेता सवालों के कटघरे में खड़ा होता है या किसी मामले में सीधे सीधे उसे कल्प्रिट साबित किया जाता है, क्या ये पॉलिटिकल मैंडेट है? जी सर, आवाज आ रही है। ये कोई इतनी ज्यादा खुशी का विषय नहीं है, आप पार्टी को सेलिब्रेट कर ले, बहुत अच्छी बात है। कंडीशनल बेल मिले कि चीफ मिनिस्टर जो है जेल से आने के बाद कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल पे साइन नहीं कर सकते और अपने कार्यालय नहीं जा सकते, ठीक है। बेल काफी टाइम से जेल में है तो थोड़ा उनको मतलब, दिस केस हैज बीन रेफर्ड टू लार्जर बेंच, अभी तक दो जजेस की बेंच ने इसको डबल बेंच ने सुना, अभी ट्रिपल बेंच पर रेफर कर दिए गए हैं।
क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, काफी समय से जेल में आराम फरमा रहे हैं। इलेक्शन के दौरान भी उनको कुछ समय के लिए बेल दी गई थी जिससे चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट कर सके। और अभी ईडी से बेल मिलने के बाद सीबीआई का केस है, सीबीआई के बाद दिल्ली पुलिस में भी बाकी है। तो केजरीवाल इस समय एक ऐसे विशेष घेरे में घिरे हुए हैं कि जिससे उसको अभी निकट भविष्य में निकल के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जैसा मैं आज एनालाइज कर पा। नहीं, लेकिन आम आदमी तो पार्टी कह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम चीजें एनालाइज की हैं उसके आधार पर चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, लिहाजा आप चुने व्यक्ति को इस तरह से सिर्फ सवाल जवाब के लिए जेल में डाल कर रखेंगे तो ऐसे ना सिर्फ उस पार्टी का भी नाश हो जाएगा, व्यक्ति का भी नाश हो जाएगा, बल्कि जिस स्टेट को वो रूल कर रहे हैं वहां की जनता भी हैम्पर करेगी। आप पार्टी जो कह रही है अपना अपना वक्तव्य कह रही है, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, उनको गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो आप पार्टी के प्रतिनिधि है और मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं। मैं एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप से आपको अपना विश्लेषण दे रहा हूँ। ये कोई ज्यादा खुशी का विषय नहीं है। ईडी सीबीआई, अभी सीबीआई की भी बेल इनको लेनी बाकी है, तो अभी एक तो बाहर नहीं आ सकते, दूसरा ये कोई इम्पोर्टेंट फाइल पे साइन नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय नहीं जा सकते, कोई भी विटनेस से मिल नहीं सकते। अभी इनको कंडीशनल बेल मिली है, लार्जर बेंच इसको सुनेगा। और कुछ समय पहले कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास काफी तथ्य है, ये भी कोर्ट की टिप्पणी आई थी। अर्लियर अगर आप पिछली हियरिंग देखेंगे तो उनके पास सीबीआई ने ईडी ने काफी सबूत पेश करे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी तथ्य हैं। सीबीआई आज भी क्लेम करते हैं कि उनके पास तथ्य हैं। पीएमएल लॉन्ड्री केस के अधीन साउथ इंडिया की जो लिकर लॉबी है उन्होंने 100 करोड़ का जिस तरह से ट्रांसफर करा और 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में किस तरह से यूज किया गया, वो सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो अभी इसकी जांच बाकी है, जांच इसकी अच्छी चलेगी और आने वाले टाइम में ठीक है शीघ्र वापस इनकी जेल को बेल को कैंसिल करके इनको वापस दिया जाए। ठीक है डॉक्टर आशीष चंदा, आप अपनी बात तो पूरी कीजिएगा लेकिन लगे हाथ मेरे एक सप्लीमेंट्री सवाल भी ले लीजिए, क्योंकि लगातार बीजेपी रह रहकर अरविंद केजरीवाल जी पर ये सवाल उठा रही है कि भैया वो इस वक्त पीएमएल कानून के तहत ये तमाम चीजें झेल रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पूरा मामला है, पार्टी भी सवालों के कटघरे में खड़ी हुई क्योंकि पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही गुनहगार के तौर पर यहां पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की तरफ से जो 5-6 इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, मैं अपने साथ पूरा पेपर लेकर बैठा हुआ हूं, उसमें एक चीज है कि वो एक निर्वाचित नेता है लेकिन हमें इस बात पर संदेह है कि हम किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री के काम करने के तौर पर मना नहीं कर सकते, यह हम उन पर छोड़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी का यह अपना खुद का निजी फैसला है कि उन्हें पद छोड़ना है या फिर उस पर काम करते रहना है, तो रह रहे का फिर भारतीय जनता पार्टी के ये जो तमाम आरोप है वो फिर कहां जाकर ठहरते हैं? मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया कुणाल जी, इसके अंदर 2-3 बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो पीएमएलए के सेक्शन 19 के अंतर्गत कोर्ट ने कहा कि आईओ को पूरी पावर है कि वो इनको इंटेरोगेट करे, इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद इनको अरेस्ट करे। दूसरा, सेक्शन 45 में कोर्ट को पूरी पावर है कि उनको बेल दे अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, जो यहां नहीं हो रही, इसीलिए अभी सिर्फ टेम्परेरी इंटरिम बेल दी क्योंकि उनको 100 दिन हो गए हैं अरेस्ट में, तो इसलिए एक सिर्फ राहत की तरह उनको वो एक रिहाई नहीं देते हुए राहत दी गई है, उससे उनको कहीं निर्दोष नहीं माना गया। तीसरी बात, पीएमएलए सेक्शन 70 के अंतर्गत जहां पे किसी भी कंपनी को अगर वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है तो वहां पे उसको दोषी पाया जाता है, और इतना ही नहीं, अगर उसका जो सरगना हो, अगर उसका जो सीईओ, अगर उसका जो कन्वेनर हो, अगर वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं भी पाया जाए तो भी उसकी कंपनी अगर इन्वॉल्व है तो ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। इसी तहत ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को 7वीं चार्जशीट में एज कन्विक्ट नंबर 38 ईडी ने प्रेजेंट किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल जो कि नेशनल कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी एक्यूज्ड बना दिया एज नंबर 37। तीसरी बात आप ये समझिएगा, जब आप ये कहते हैं कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि हम इनको पद छोड़ने को नहीं कह सकते, देखिएगा हर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की एक संविधान के तहत मर्यादा होती है, और आज तक इंडियन हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, कि अगर जवाब दीजिए इल्जाम लगे तो वो अपने पद से रिजाइन ना करें। ये पहला अनोखा उन्होंने ये बोला है 10 बयानों में, उन्होंने ये बोला है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से
एक एनजीओ के लिए मिलने गया था, उनके सुपुत्र की पत्नी सुसाइड अटेम्प्ट करती है और 11वें बयान में बोलते हैं कि मुझसे अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए। 10 बयान अंडरलाइन डॉक्यूमेंट खोलकर, ये इनके सांसद है शरद चंद्र रेड्डी की बेल अपोज नहीं करती, 38 बोल रहे हैं ना, 38 में कितने लोग जेल में आज, जिनके एएसपी राजू खुद बोलते हैं हम लॉलीपॉप देते हैं, अप्रूवर बनने के लिए हम लॉलीपॉप देते हैं, ये इनकी लॉलीपॉप पॉलिटिक्स आप देखिए, आज कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट में 4 बार अरविंद जी का नाम आया है, उसके बाद 500 से ज्यादा गवाह कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, सिर्फ ये चाहते हैं कि अरविंद जी को जेल में रखकर आने वाले चुनावों में उनको उनका उनको प्रचार ना करने दिया जाए, उनको काम ना करने लेकिन अब क्या हुआ, सपोर्ट करना चाहिए अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देने की क्या वजह है, ये ना नौकरी दे पाए, क्या उनको संवैधानिक पद पे बैठ के दूसरी संवैधानिक एजेंसी के साथ, ठीक है अब नहीं, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड चिराग जी, यहाँ पर आप बात कर रहे कि भैया एक एक नौकरी के लिए इतने इतने, एक एक पद के लिए इतने इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन अरविंद बीजेपी आज सुबह से जो प्रोटेस्ट कर रही है आपकी पार्टी के खिलाफ, उस पर फिर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, बीजेपी रह रहकर आरोप लगा रही है कि भैया जब गर्मी थी तब आप पानी नहीं दे पाए, जब मानसून आया तो पानी से लोगों को बचा नहीं पाए, अब जब बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है, उमस है, तब आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो कहा कुछ और जा रहा है, करा कुछ और जा रहा है, जब जनता को सबसे ज्यादा नीड होती है गवर्नमेंट की तो सरकार उससे थोड़ी सी दूर नजर आती है। ठीक है एक सेकंड चिराग जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सवाल और सुन लीजिए, ठीक है कंप्लीट कीजिए, जब आपने बिजली का मामला छेड़ा तो मैं सिर्फ 3 सवाल करूंगा यहाँ चिराग जी से, जो वो आपकी बात के साथ जोड़ के जवाब दे दें। पहला सवाल, वो व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री जो कहता था कि पानी माफ बिजली हाफ और बाकियों ने जितने मर्जी रेट बढ़ाए हो, इसके वीडियो YouTube पे उपलब्ध हैं, बाकी कंपनियों ने सरकार से मिलके जो मर्जी हेराफेरी की हो, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे, तो रेट क्यों बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर बढ़ने भी हैं तो पीक गर्मी में ही क्यों बढ़ रहे हैं, जब लोगों को राहत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और तीसरी बात, अगर आप कोई भी चेंज लाते हैं तो कुणाल जी क्या कहते हैं, हेंसफोर्थ आज के बाद रेट इंक्रीज कर दिए तो हर आदमी अपनी जेब के हिसाब से कंजम्पशन करता है। ये बिल बढ़ के आए जुलाई में और कहा जा रहा है कि ये बढ़ेंगे कब से, मई से, यानी मई में जब मैंने 24 घंटे एसी चलाया तब बिल बढ़े हुए नहीं थे, लेकिन आज जब वो कंजम्पशन हो गई, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ चिराग जी को और आशीष जी को स्क्रीन पर रखिएगा, चिराग जी तमाम सवाल सुन लिए, अब जनता की डिलीवरी को लेकर सीधा जवाब आपसे सर। ठीक, सुनिए कुणाल जी, ये झूठ बोलने की जो बात है ना आशीष जी की और इनकी पार्टी की, बहुत गलत है। ये होता है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ट, जो 7% है, जो लिखा हुआ है कि जब पीक सप्लाई होती है, जब आपके पास वेरिएबल कॉलम्स होते हैं कि कभी कोयला महंगा हो गया, कभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हो गया, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने महंगी बिजली खरीदी थी और दिल्ली के लोगों को महंगी बिजली थी, आशीष जी वहां पे डीआरपीएल में आपने 9% बढ़ाए, इसका क्या बता दे, बिजली का रेट 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, वहां पे 8-10 घंटे के कट होते हैं, बिजली का रेट मैच नहीं कर पा रहे हैं, कोल महंगा होता है, कुछ भी और कारण होता है, उस वजह से पीक डिमांड में अगर महंगी बिजली खरीदी गई तो 7% का चार्ज है, जो शॉर्ट टर्म होता है। दिल्ली में दो अलग अलग कॉलोनीज में कोयला अलग अलग महंगा हुआ, एक करके आशीष प्लीज प्लीज आशीष, जितना पैसा दे रहे हैं लोगों को देते गए, ऐसा नहीं किया, सस्ता कोयला खरीद के महंगा नहीं बेचा, ऐसा नहीं किया, शॉर्ट टर्म है, जैसी डिमांड कम होगी बिजली के दाम वापस कम हो जाएंगे, ये नहीं समझेंगे, ये झूठ बोलेंगे आप लोगों को, लोगों को बरगलाएंगे, इसका जवाब दे दो,
दिल्ली में ही दो जगह दो अलग अलग रेट क्यों बढ़ाए? आपकी कंपनी BYPL ने 6.15% बढ़ाए जो ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली को सप्लाई करती है, वहीं पे BRPL ने 8.75% बढ़ाए जो साउथ और वेस्ट दिल्ली को सप्लाई करती है। क्या दिल्ली में दो जगह कोयला अलग ठीक है? पीछे से नहीं कीजिए, आप मई से अप्रैल से कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, नॉट परमिसिबल। अगर नई संविधान संहिता आ रही है तो उसके कानून 1 जुलाई के बाद से लागू हो रहे हैं, 30 जून से लागू नहीं हो रहे। आप अगर बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं आज, अगर आप कह रहे हैं तो आज के बाद से बढ़ाइए, ना कि कल से बढ़ा देंगे। ठीक है तो चिराग जी, इसको आप आपने काम पे होता है, पीछे नहीं होता, पावर कंजम्पशन पे होता है। जितना पावर उस कंपनी ने खरीद के आप पावर कंजम्पशन आपको पता है कोई आगे नहीं, इस साल नया रेट हुआ, इस साल गर्मी नहीं पड़ी, इस साल गर्मी पड़ती है। एक सेकंड चिराग आशीष जी, आशीष जी, गर्मी कब होती है? टेम्परेचर होता है आशुतोष जी, गर्मी हमारे बावन डिग्री, आपकी बहुत उम्र है, आप मेरे से बहुत उम्र दराज है, आप मुझे बताइए बावन डिग्री थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ हर साल मई जून के महीने में ज्यादा होती है, इसी टाइम में एसी की जरूरत पड़ती है, हर साल होती है। 8600 मेगावाट कभी नहीं हुई, आज पहली बार हुई है इस साल में, ये तो हर साल बढ़ रही है, टीम चेक करके बता देगी। कभी नहीं हुई, 8600 की पावर सप्लाई जी, मत बोलिए आप बोल रहे हैं, मैंने सुना, मेरी बात तो सुनिए कुणाल जी, मैंने सबको सुना, मेरी बात को सुनिए। ठीक है देखिए, पावर की कंजम्पशन हर साल बढ़ती आ रही है, एक सर्टेन रेशियो में हर साल बढ़ रही है। पिछले 10 साल का देखिए, 10 साल पहले कितनी थी, 9 साल पहले कितनी थी, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 लास्ट ईयर कितनी थी, अब है तो हर साल बढ़ रही है। तो डोंट टेक लेम एक्सक्यूज, आपको अच्छी बात कहेंगे मैं समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ चिराग जी कह रहे हैं ना कि भैया पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज है, एडजस्टमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है उस कॉलम में, आने वाले वक्त में सप्लाई डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी तो रेट डाउन होंगे। आप पीछे से क्यों लगा रहे हैं, आगे से लगाइए ना, आने वाले टाइम से आप आगे का कहिए, क्यों पीछे से लगा रहे हैं? ठीक है, मई जून तो हर साल बढ़ती है। ठीक है चिराग जी, जवाब देखिए, हर साल कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक है ठीक है आशुतोष जी, सुन लिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मुझे आवाज नहीं आ रही, आई थिंक फोन कट गया है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मई जून में जो ज्यादा बिजली गई थी उसका चार्ज है, भाजपा की सरकारों की तरह नहीं कि पैसे बढ़ गए तो बढ़ गए, वापसी नहीं होंगे, वो उनके दोस्तों को मिलेंगे जाके, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चिराग जी को स्क्रीन पर रखिएगा, आशीष जी सीधा सीधा आरोप लग रहा है, आप कहो कि कंजम्पशन कर ली उसके बाद आप बड़े हुए रेट, मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा, मैं आ रहा हूँ आशुतोष जी आपके पास, एक सेकंड चाहिए, मैं आशीष जी की बात से सहमत नहीं, मैं चिराग जी की बात से सहमत नहीं। आप कह रहे हैं कि हर साल कंजम्पशन बढ़ रही है, मैं मानता हूँ हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है, बढ़ रही है, इस साल कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन आप जो बढ़ा रहे हैं वो कल से बढ़ाई, आने वाले कल से, दैट इज 13 जुलाई से, ना कि 11 जुलाई से। ठीक है, उन्होंने सुन ली, यही जो मैं कह रहा हूं, आप उन्होंने सुन ली, ठीक है आशीष जी बात पूरी कीजिए, ठीक है ठीक है आशीष जी बात पूरी कीजिए। जी जी मैं यही कह रहा हूँ, जो जिसका जवाब चिराग जी ने नहीं दिया, पहली बात तो रेट बढ़ाना नैतिक नहीं है, दूसरी बात इनकी तैयारी क्या है, जब बारिश आनी होती है इन्हें पता है बारिशें कब आएंगी, जब गर्मी में कंजम्पशन बढ़नी है बिजली की, इनको पता है कंजम्पशन कब होनी है। अब अभी ये कहते हैं हमारी बाढ़ की पूरी तैयारी है, तो कल दिल्ली का जो एरिया पूरा पानी पानी हो गया, अगर इनकी पूरी तैयारी है तो वो मुनाक जो लेक है, वो रिवर है, वो कैसे ओवरफ्लो हो गई और वो पूरा एरिया कैसे पानी पानी हो गया। सच तो ये है कि ना इनकी कोविड में ऑक्सीजन की तैयारी थी, ना पॉल्यूशन में इनसे बचने की तैयारी थी, ना इनके पास बाढ़ आने पे कोई तैयारी थी, ना दिल्ली में पानी की कमी होने पे टैंकर माफिया पे रोक की कोई तैयारी है। अरे सर आशीष जी, उसके लिए भी तो, अरे सुनिए ना आशीष जी, आशीष जी उसके लिए भी तो सर, उसके लिए भी तो बीजेपी ही सवालों के कटघरे में है कि आप उनके तमाम नेताओं को उलझा कर रखते हैं राजनीति में, तो काम नहीं कर पाते। हम कैसे उलझा के रखते हैं? आप एक बात बताइए यहाँ पे कि जो स्पोक्स पर्सन होता है उसका काम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आतिशी का काम क्यों है?
जबकि वो जल मिनिस्टर है, उनको देखना चाहिए कि पानी का क्या इंतजाम है, वो क्यों दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी रहती है। फिर आप यही चीज थोड़ी ना दोहराएंगे हर चीज। एक मिनट चाहूंगा आशीष जी, कुणाल जी, मेरे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज आशीष जी की सरकार नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री का कहने के वो दिल्ली को पेरिस से खूबसूरत बनाएंगे, दिल्ली को नहरों की शहर बनाएंगे, तो आप उनके कार्य में क्यों बाधा डाल रहे हैं? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को कौन बाधा डाल रहा है सर? कौन बाधा डाल रहा है? अगर आपने आपने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी, सीबीआई सब एजेंसी अपना अपना काम करेगी, और उसके बाद इल्जाम लगे हैं तो क्या करते हैं? दिल्ली का हेमंत सोरेन ने और जेल गया इसलिए कि मेरे जेल जाने से मेरे राज्य की जनता प्रभावित ना हो, वापस आया दोबारा मुख्यमंत्री को से क्या लालच है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते? वो सारी बात ये है जो शीश में बनाया इन्होंने 55 करोड़ से जनता के पैसे से, और यहाँ पे नाव चलती दिखाई दे रही है, बनाया उस शीश महल को छोड़ने का इनका मन नहीं कर रहा। जैसे मुख्यमंत्री का अब सर वो मैटर इन्वेस्टिगेशन है कि आखिरकार वहां पर क्या क्या अनियमितताएं बरती गई हैं। बहरहाल मेरे पास समय इतने ही ज्यादा दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष हांडा, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका। बहरहाल आप सबकी निगाहें सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी हुई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में जा टिकी है कि आने वाले वक्त में सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या वही टिप्पणी निकल कर आएगी जो आज ईडी वाले मामले पर सामने आई है, या फिर अभी इंतजार के पल और जारी रहेंगे। बहरहाल इसी के साथ हमारी खास